क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि मिठाई खिलाओ। झूठ की बोलूंगी। वो वाला खुशखबरी नहीं है? वही वाला खुशखबरी है। मतलब कि ये बेबी वाला? हाँ, बेबी वाला खुशखबरी है। बोली है कि तो डॉक्टर ने बुलाया है किट्टो को। अभी हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो घर के बगल में ही है, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में, 5-10 कदम की दूरी पे है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं कहा किट्टो तुमको वीकनेस लग रही है, तुम अभी घर पे चलो, रेस्ट करो। फिर डॉक्टर को हमने बोला था जब डॉक्टर साहब फ्री हो जाना तब कॉल करना, तब हम आएंगे दिखा देंगे। तो डॉक्टर साहब का कॉल आ चुका है, वो फ्री हो गए हैं, 1-2 पेशेंट होंगे। तो अब लेडीज़ हैं? हाँ, तो डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, डॉक्टर साहिबा। तो अब चलते हैं और किट्टो को मैं घर से वॉकिंग डिस्टेंस में, तो भाभी, किट्टो और ऋषभ भी जा रहा है। ऋषभ बोला मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊँगा। तो ये 3 लोग जा रहे हैं, अब जाते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है किट्टो, तैयार है? जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, फिर आना, फिर मैं बताऊँगा लोगों की क्या रिपोर्ट में आई, क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। काफ़ी देर से बैठे हुए हैं कि किट्टो आए, अब आए, तब आए। मैं इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि वो लेडी डॉक्टर हैं और जो उनके कैबिन में ना सिर्फ लेडीज ही अलाउड हैं, तो भाभी लिवा के गई हैं, मौसी आ भी गई। हम लोग ऐसे बैठे थे तो मां नहीं रही थी, फिर हमने सोचा क्यों ना मैं और सोनाक्षी कुछ ऐसे बातें करते। क्यों सोनाक्षी? क्या क्या रिपोर्ट लेके आई हो? आ जा, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, ऊपर आओ। भाभी कहाँ हैं? वो नीचे बाबू के लिए चिप्स ले रही हैं। आ जा जल्दी आओ। सुनो, मतलब कि हम लोग, मैं और सोनाक्षी बात करने लगे। आ जा सोनाक्षी। ऋषभ भी आ गया, ऋषभ भी आ गया, ऋषभ भी आ गया। अरे ऋषभ कहाँ भागा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं, थोड़ा सा इसका बुखार भी उतर गया था, सही थी, क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉग टाइप का शूट कर लिया जाए। जब कोई बीमार रहता ना फिर मन नहीं करता है, लेकिन जब थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं अब ठीक है, बुखार वगैरह नहीं है, और कल से तो बुखार उतरा चढ़ा भी नहीं। फिर उसके बाद दिखा रही हूँ। क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बताएंगे डॉक्टर? नहीं बोला होगा, सब कुछ ठीक है, हमें तो यही है सब कुछ ठीक ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, क्योंकि तो बुखार नहीं उतर रहा था, फिर बुखार कल उतर गया। मेन टेंशन ही तुम्हारे बुखार नहीं उतर रहा था, नज़र भी लगी है देखो। दो मिनट थोड़ा सा बैठने दो, क्योंकि सेकंड थर्ड फ्लोर पे ना थोड़ा सा थकाया जाता है चढ़ने में। चलो बैठो बैठो, मैं बंद करता हूँ। तब क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि मिठाई खिलाओ। सही कह रहे हैं, सही बोले डॉक्टर, बोले कसम से। हाँ सही बोलेंगे, मिठाई खिलाओ। नहीं, जीभ क्या निकाल रहे हो, सच में यही बोली है। ऋषभ से पूछ लो। ऋषभ? ए रुको रुको, ऋषभ से बोली है सही में? हाँ, मैं झूठ की बोलूंगी। सही है? हाँ, मिठाई खिलाओ, मतलब कि तुम सही हो गई हो कि खुशखबरी है उसकी मिठाई? नहीं, बस बोली है कि मिठाई खिलाओ। मैं बोली किस लिए मैम, तो बोल रही है कि बस मिठाई खिला दो, तुम्हारी शादी 1 साल हो गई, तो कम से कम घर में कुछ ढिंढोरा पीटने के लिए कुछ जो बाजा था जबरदस्ती, उसके लिए खुशी के लिए। मतलब वो वाला खुशखबरी नहीं है? वही वाला खुशखबरी है। मतलब कि ये बेबी वाला? हाँ, बेबी वाला खुशखबरी है। बोली है कि इसीलिए तो बोली मिठाई खिलाओ। और अवन दादी को देखो भी फोन करेंगी, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर है ना, तो दीदी जब कुछ भी बीमार। मतलब हाँ यार, मैं झूठ की बोलूंगी? मुझे देखो ये रिपोर्ट दिखा, नहीं तुम्हारी आंखों से उनको लग नहीं रहा है। हम अच्छा अच्छा दिखाओ रिपोर्ट। देखो अच्छा, अभी ये हमको थोड़ी नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं दिखाओ तो, प्रेग्नेंट हम पूछ रहे थे ना, तो मैं पूछ रही थी कि थोड़ी सी बता रहे आप सबको, बोली कि एक तो आपको वायरल बहुत ज्यादा हो गया है, और नहीं सिर्फ प्रेग्नेंट कहाँ लिखा हुआ बताना। नहीं हम पूछे तो मैम बोल रही कि मैं आपको क्या बताऊँ कि आप प्रेग्नेंट हो। बस बोली कि आप प्रेग्नेंट हो और आप मिठाई खिलाओ बोली है। सही सही बताओ यार। देखो यार, मुझे झूठ बोल के क्या बोलेगा दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। पक्का कसम से? मैम ने बोला कि देखो आप
एक तो हमेशा घर से बाहर नहीं निकलते हो और घर के अंदर ही रहते हो, तो एक तो आपको वायरल हो गया है और दूसरी बात जो मेरा दम घुटता था पापा बनने वाला सही है। हाँ यार देखो मैं जाओ सबको पहले सबको बोल के आओ। अरे अरे नहीं बैठो 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 उठा लूँ सही में। मुझे बात करनी तो इतनी आसानी से खुशखबरी क्यों बता रही हो तुम? हाँ तो इतनी आसानी से ही बताना चाहिए हमको। हम जब ही थोड़ा सा मेरे पास मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है ना, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा एकदम हाई फाई नहीं मतलब कि तबाही करके नहीं बोल सकती हूँ। तो और इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा सा सुबह शाम 15-20 मिनट तक आप नेचुरल हवा लो, बाहर का हवा लो और टाइम से खाना खाया करो, टाइम से सो जाया करो। हम लोग को ये था कि 4-3 बजे सोते थे, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी। फीवर तो सही हो ही नहीं रहा था मेरा। दोस्तों मैं बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं इनको झूठ बोल रही हूँ। ये हम वही तो सोच रहे थे कि मतलब किट्टो इतनी आसानी से कैसे मतलब कि ब्लॉग बनवा के कैसे बोल सकती है। ये ना ये इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि जाओ तुम सच में यार सुनाची है सब लोग घर पे जाओ तुम सच में पक्का रिपोर्ट में ही आएगा, पक्का रिपोर्ट में ही आएगा। बस ये वायरल था और वीकनेस था, थोड़ा सा टाइफाइड मुझे हो गया है ये। और भगवान की देन से अगर मुझे बच्चा दे देंगे तो मैं खुशी खुशी से बच्चे को ले लूँ, क्योंकि बच्चे का तो शौक मुझे बहुत है। खुशी खुशी तो बच्चा ले लूँगी। एक ऋषभ है ना। हाँ मैं सबका देखती हूँ, मतलब कि माँ बनना लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये एक ऐसा दिन होता है कि एक लड़की खुद जब बच्ची रहती है खुद माँ बनती है, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो तुम फिर आगे ऐसे क्यों झूठ बोली कि मैं झूठ इसलिए बोली क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, एक न मन बना के सब लोग बैठ गए थे और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि दीदी कहीं आप सच में प्रेग्नेंट हो, सच में प्रेग्नेंट हो। मैं क्या बोलती, मैं बोली थोड़ी सी मजाक में कर लेती। डॉक्टर क्या बोली कि नहीं प्रेगनेंसी नहीं कुछ ऐसा? नहीं बस थोड़ा सा ना मुझे इस टाइम ऐसा मौसम चल रहा है कि सबको उल्टी और फीवर घबराहट, एक तो जब ये वाला जो मौसम आता है ना सबके साथ ऐसा होता है। तो मेरी सिस्टर को भी आ रहा था, तो मेरी सिस्टर को भी बोल रहे हैं डॉक्टर क्या तुम भी प्रेगनेंट हो, क्योंकि उनके जो मतलब कि ये लेडीज़ डॉक्टर है ना शहनाज डॉक्टर, सब लोग जानते होंगे अगर हमारे यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं पता होगा कि डॉक्टर बहुत अच्छी है। वो इसीलिए डॉक्टर ने इसी का ज़्यादा जच्चा बच्चा वाला डॉक्टर। हाँ जच्चा बच्चा का डॉक्टर हूँ है और बहुत अच्छी है। आपको पता है जब मैं फर्स्ट टाइम मैं बीमार होती ना उन्हीं के यहाँ जाती हूँ, तो बोलती हैं कि माशाल्लाह तू बड़ी खूबसूरत है। जब जाते हैं तब बोलती है, तो आज जब हम गए ना तो बोल रही थी कि तू कैसी मुरझाई मुरझाई सी लग रही है। मैं बोली बस ऐसे ही। आप बोलिए जो बोलना होगा। मैं क्या बोलूँ, तुमने झटका दे दिया हमको, लगा कि फिर हम वही सुनने गए यार इतनी आसानी से कैसे लड़की ये बता सकती है, अगर ऐसा कुछ होता मुझे पहले आके बताती और ये थोड़ी ना बोलती कि नहीं तुम क्या बोलते सूट क्यों कर रहे हो बंद कर दो। तो विटामिन की दवाइयाँ हैं, विटामिन की भी कमी है ना, ये आप सब भी खा सकते विटामिन की, इतना दवा दे दें। चलो यार फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लोग मारेंगे मुझे। नहीं नहीं मारेंगे। तो दोस्तों हम देखिए हम नहीं बोलेंगे भैया लाइक कमेंट शेयर या वीडियो को वायरल ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। बस ये जितने भी हमारे फैमिली लोग हैं, जितने लोग हमसे प्यार करते मोहब्बत है, जो किट्टो के तबीयत को लेकर के चिंतित थे, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। बस एक वायरल है और जो मौसम चेंज हो रहा है मैं बता रहा हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है। इनको बड़ी गर्मी लगती है, रात में पंखा चला के सो जाती हैं, अभी पंखा चला के सो गई हूँ, कल मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। हमसे पूछी कि आप फैन तो ऑन करके नहीं सोती हैं, मैं बोलेंगी सब अपनी कमियां बताने लगेंगे ना, तो बोलेंगी कि जब खुद से गलती करती हो तो फिर क्यों आती हो डॉक्टर के पास। रात पंखा चला के सो गई, वही ठंडा गर्म कर गया, हो गया तबीयत खराब। अभी भी देखो मैं हाफ पहन के ही गई थी, मुझे बहुत गर्मी लगती है रात में। क्या हिम्मत करना है सब चीजें ठीक है। तो भैया कुल मिला करके ये हुआ है कि बस वायरल है, बुखार नहीं उतर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। अब ये किया कि बुखार आया नहीं बिल्कुल भी, ये बहुत अच्छी खुशी है।
और मुझे जहाँ तक तो उम्मीद है थोड़ा दवाइयाँ चेंज हुई हैं, तो एक दो दिन में बिल्कुल फिट हो जाएगी। फिर से हम अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स बना के लेके आएंगे, जैसे आप लोग हमें प्यार देते थे, फिर से वैसा ही प्यार दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी आप लोगों के लिए, और लाइक कमेंट शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग के लिए थी। बाकी बाय बाय, ठीक है। इस वीडियो को मैं एडिट वेडिट नहीं, बस ऐसे ही अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लेना। बस एक न्यूज़ बुलेटिन है किट्टो के हेल्थ को लेकर के, कि भाई वो उसकी तबीयत कैसी कैसी नहीं है, बस ये बातें हैं। बाकी बाय बाय। अब जो भी ब्लॉग आएगा, अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा, नया ब्लॉग आएगा, कुछ अच्छा करेंगे हम। अभी इसकी तबीयत को लेकर के भाई सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात के सबसे बेकार बात मेरे लिए यही, प्रेगनेंट नहीं है ये, होती तो मेरे लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पापा बनने के लिए। भाई सब बन रहे हैं, मैं भी बन जाऊँ। अच्छा, मैं भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अब आप लोग का क्या सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई, अब क्या फालतू किसी का टाइम अप एंड डाउन करें। चलिए बाय बाय, अब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर के आएंगे, और उम्मीद करेंगे किट्टो हमारी एक दो दिन थोड़ा सा रेस्ट करेगी, और अब देखते हैं कि हम इंस्टा पे लाइव कब से आए। बोले हैं कि अभी आप जैसे मोबाइल हमको बोली ज़्यादा चलाने के लिए, नहीं कि आप ज़्यादा मोबाइल चलाते, इसलिए आप मेरे आंखों के नीचे देख रहे हैं आप लोग कितने डार्क सर्कल हो गए हैं। तो बोलिए ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, ज़्यादा देर तक जागना नहीं है, और अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान दो, अगर ना अभी नहीं ध्यान दोगे ना बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी आपको। और तुम थोड़ा पार्क वार्क में टहलो भी सुबह जाकर के। हाँ, 15 मिनट सुबह बोली है, 15 मिनट शाम को, 15-15 के आधे घंटे आप अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ा नेचुरल हवा ले लो। ले रही थी फिर वही एक बीच में, मैं जाती थी इनके साथ, फिर ये इनसे बोले कि हम जाया कर, ये बोलते हैं कि अकेले मत जाया करो पार्क में, और सिस्टर जाती नहीं है, बच्चे परेशान करते हैं, इसका मैं अकेले किसके साथ जाऊं, इसके वजह से मैं शाम को नहीं जाती। चलो ठीक है, बाय बाय, अब इसको लेके जाएंगे पार्क में, तब फिर मिलेंगे आप लोगों से, बाय बाय। The next day. तो इस टाइम मैं और किट्टो और ऋषभ आ रखे हैं पार्क में टहलने के लिए। डॉक्टर को हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इनको बाहर का हवा पानी खिलाओ खिलाओ, घुमाओ टहलाओ। तो हमने बोला भाई आज ही चलो तुम घूमने। तो ऋषभ और किट्टो देखो टहल रहे हैं पार्क में, मैं पीछे पीछे हूँ, और किट्टो को थोड़ा सा फील अच्छा हो रहा है, लेकिन हल्का सा टायर्ड है, बुखार नहीं है, लेकिन आराम है। दोनों बहुत टहल रहे हैं, और ऋषभ भी टहल टहल के थक गया, पहले हम दोनों आ रहे थे, लेकिन ये रोने लगा कि नहीं मैं भी चलूँगा। हमने बोला ठीक है भाई तुम भी चलो, तुमको क्यों मना है, बच्चों के लिए पार्क होता ही है। तो खेल भी बहुत रहा है, बहुत दिन बाद निकला है बाहर, तो खेल रहा ऋषभ, नहीं बोलेगा ऋषभ। किट्टो बहुत टायर्ड लग रही हो। ज़्यादा चलवा दिए आप। ऋषभ भी थक गया है। ऋषभ चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, क्यों ऋषभ? वीडियो में आता है तो हंसने लगता है। तबीयत कैसी लग रही है? आराम है, दवा खा रहे हैं तो आराम है। तो थोड़ा तुम्हें हम सोचे कि चलो बाहर लेके चलते, तुम्हें टहलाते घुमाते हैं। नहीं, तो डॉक्टर बोली थी ना कि एक ही घर के अंदर रहते हैं, अंदर बाहर का हवा जल्दी पाते नहीं, जब आपके साथ जाते हैं बाहर तभी नेचुरल हवा मिलता है। बाकी जो सुबह शाम बोले हैं थोड़ा 10 या 15 मिनट के लिए थोड़ा सा आप टहलिए, नहीं तो बॉडी को बहुत ज़्यादा ना नुकसान होने लगेगा। सुबह जो आते थे लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर बंद कर दिया उसके चक्कर में। आते तो थे लेकिन अकेले शाम को इसलिए नहीं आते कि इसकी मम्मी नहीं आती है, इसलिए हमको भी नहीं आना पड़ता, नहीं मन करता है कि हम अकेले आ जाएं।